जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज हुसैन। हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों को वेलकम, और आने वाला वीक आप तमाम दोस्तों के लिए अच्छा हो। हमेशा की तरह कमाए, वीकली सेशन बहुत अच्छा होता है, बशर्ते आप बड़े टाइम फ्रेम में रहते हुए जो अच्छे लेवल है उनको फॉलो करें और छोटे टाइम फ्रेम में पुल बैक में काम करें तो आपका रिजल्ट बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो फ्रेंड, आप दोस्तों के लिए जो काफी देर से आप पूछ रहे थे, हम तो आप दोस्तों के लिए एक नई चीज लेके आए हो। इसको आपने क्या करना है, सिर्फ आपने देखना है, एक हफ्ता देखें, महीना देखें, पिछले 2 महीने का रिजल्ट देखें। अगर आप समझते हैं कि इससे कुछ लर्न कर सकते हैं या अर्न कर सकते हैं तो आगे वाला डिसीजन आपका होगा। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये बिजनेस रिस्की है, प्रॉपर सीख के करना है, या कोई भी आग इसमें किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं तो रिस्क को हमेशा आपने सामने रखते हुए काम करना है। जी फ्रेंड, और साथ साथ ये हमारे दो लिंक हैं, इसे अपना अकाउंट बनाए नए दोस्त और आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करें ताकि डेली बेसिस पे आपको अच्छे किस्म के जो एनालिसिस है आपको हम जो भेजते हैं उससे मैक्सिमम फायदा उठा सके। तो चले फ्रेंड, डिस्कस करते हैं आने वाले वीक को कि कहाँ पे हमें पुल बैक पे ट्रेड करनी है और कहाँ पे हमारे अच्छे लेवल मौजूद है। जी फ्रेंड, जी फ्रेंड, तो आने वाले वीक में हम देखते हैं कौन सी ऐसी न्यूज हैं जिनको देखते हुए अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। मंडे वाले दिन जो महीने का आखिरी दिन है, 30 सितंबर है, मोमेंट ज्यादा आपको मिल सकती है, लिहाजा बहुत केयरफुल के काम करना है आपने। और कैनेडियन डॉलर की बैंक हॉलीडे है, उसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसी म्यूजिक के प्रेजिडेंट स्पीक कर रहे हैं और 9:55 पे भी फेडरल चेयरमैन जो स्पीक कर रहे हैं। ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो यहाँ पे जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं वो ये हैं, जिसमें दो यूरो की हैं और इसके अलावा जो खास तौर पे 6 बजे आप देख रहे हैं यूएस डॉलर का हाई इम्पैक्ट के डाटा हैं। बुध तो वाले दिन की बात करें तो यूएस डॉलर का हाई इम्पैक्ट का नॉन फार्म एडीपी नॉन फार्म का डाटा है। और थर्सडे वाले दिन की हम बात कर लेते हैं, थर्सडे वाले दिन जो है वो कौन सी ऐसी मेन न्यूज़ आ रही है। थर्सडे वाले दिन आप देख रहे हैं कि सी एच एफ का हाई इम्पैक्ट का डाटा है, उसके बाद यूएस डॉलर की कुछ न्यूज़ हैं जो हाई इम्पैक्ट की हैं। और फ्राइडे वाला दिन बहुत अहम है हमेशा की तरह, क्योंकि एनएफपी का डाटा है, नॉन फार्म क्लाइमेट चेंज है, बड़ी मूवमेंट हो सकती है डॉलर के और मेजर पेयर में। तो होप सो कि आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड को देखते हुए इंशाल्लाह आप अच्छी जगह से ट्रेड लेंगे। साथ साथ आप देख रहे हैं थर्सडे वाले दिन जो है एक जो डे लाइट सेविंग टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो रहा है और इसका टाइमिंग ट्रेडिंग का ऊपर नीचे हो सकता है। तो होप सो कि ये जो हमारी जो मेन मेन न्यूज़ होती हैं उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि ये न्यूज़ में जाके फॉरेक्स फैक्ट्री में यहाँ पे कोई अचानक जैसे न्यूज़ आती है तो आप उसको भी देख के फॉलो किया करेंगे, क्योंकि ये अचानक ऐसी न्यूज़ होती है जो उसी वक्त मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो चले फ्रेंड, साथ साथ चलते हैं और डिस्कस करते हैं मंथली गोल्ड को, क्योंकि मंथ क्लोज हो रहा है 1 दिन के बाद। तो एक बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं जो मंथली क्लोज हो रही है, इससे पहले एक ये कैंडल थी मंथली इतनी बड़ी हुआ, अभी ये है। तो इसका आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मोमेंटम है, बड़ी तेजी है गोल्ड में। और साथ साथ अगर हम बात करें वीकली, तो वीकली भी आप देख रहे हैं कि एक अच्छी हेडली कैंडल मौजूद है। और अगर हम डे की बात करें तो डे में आप 1 दिन की अच्छी मूवमेंट आप देख रहे हैं, नीचे जो रिट्रेसमेंट हुई है लेकिन जो अभी प्रॉपर होनी चाहिए तो वो नहीं है। और अभी हम H4 पे आते हैं, H4 में थोड़ा सा हम बताते चलें, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको नए लेवल भी बता देते हैं जो ऑलरेडी मौजूद भी हैं लेकिन दोबारा बता देते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास प्राइसेस जो मौजूद हैं 2658 पे हैं, तो इसका रिसेंटली पुल बैक का ये एरिया मौजूद है 2662 का। यहाँ से मार्केट अगर अच्छी कैंडल मिलती है तो नीचे आ सकती है और स्टेप बाई स्टेप ज़्यादा स्विंग बनाती हुई यहाँ तक आ सकती है। ये लेवल 2616 का है, उसके बाद 2601 का लेवल है, अगर इसको भी क्रॉस करती है तो देन फिर लेवल हमारा जो है 2548 से लेकर 2558 का एरिया है। ये तो हमारे नीचे पुल बैक वाले एरिया है। और ऊपर की बात करें जो एक्सपेक्टेड लेवल है वो 2745 से लेकर 2748 का एक अच्छा लेवल है। तो फ्रेंड, ये हमारा गोल्ड है, गोल्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी जगह से स्टॉप के साथ ट्रेड लेनी है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना ताकि अपनी अमाउंट को हम ज़्यादा फ्लोटिंग में ना डाल दें। जी, इसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट एक अच्छा पेयर जो मौजूद है वो आयल है, क्रूड आयल आप देख रहे हैं मुसलसल 3 जो मंथ से नीचे आप देख रहे हैं उसको। और वीकली बात करें तो वीकली जो इसका लेवल है जो अच्छी जगह से पुल बैक हुआ, जो ऑलरेडी हमने बताया था 71-72 का लेवल है, उससे आप अभी नीचे प्रॉपर एक बड़ी कैंडल देख रहे हैं।
और डेली की बात करें तो डेली का लास्ट डे जो वीक डे है उसमें थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये आपको नीचे यहाँ तक मिल सकता है छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में जाके आप अच्छा पुल बैक देख सकते हैं। और प्राइस है जो मजीद, जैसे यहाँ से एक चलिए पल्स हुई है करेक्टिव में चलेगी, और इसके बाद नीचे आप प्रॉपर इसको देख सकते हैं। ऊपर वाला लेवल हमारे पास वही 71-72 का, और नीचे 65 का लेवल है, और इससे नीचे और देखें तो 63 का हमारे पास लेवल मौजूद है। अभी आ जाते हैं डेक्सी में, डेक्सी में मंथ में देखें तो डेक्सी ने क्या किया है, पिछले 3 माह से मुसलसल नीचे है, और अगर वीकली देखें तो वीकली भी पिछले 3-4 वीक से आप मुसलसल इसको पुल बैक देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, मुसलसल सेल में देख रहे हैं। और डे में देखें तो बहुत अच्छे इसके पुल बैक तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं कि ये मूव हो रही है, इसके अंदर हो रही है। नीचे वाला 99 का लेवल, ऊपर 101.989 का लेवल है, इसके मिड में मूव कर रहे हैं एक सूट ताले के फ्रंट। यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर जाके यहाँ से नीचे आ सकती है, या यहाँ से और दूसरा है कि यहाँ से नीचे और जो लास्ट है उस लेवल को टच करके मार्केट ऊपर पुल बैक कर सकती है। और आप देख रहे हैं 102 और 101 का एक अच्छे लेवल मौजूद है ऊपर से पुल बैक के लिए। अभी आ जाते हैं जी हमारे पास पाउंड वर्सेस यूएसडी, ये भी मंथली देखें तो फ्रेंड इसके बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं, बुलिश में आप देख रहे हैं, और अगर हम प्रॉपर देखते हैं और पिछले 2 वीक से देखते हैं तो मसलसल आप ऊपर की कैंडलें देख रहे हैं। और अभी अब हम बात करें डेली में, तो एक अच्छी कैंडल आपको मिल रही है जो एक अच्छा सेटअप आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि नीचे वाला हमारे पास जो लेवल है 1.3261 का, और ऊपर वाला 1.3427 का लेवल मौजूद है, और इस स्पेक्टेटर को लेवल करें तो 1.3601 का लेवल है, ये हमारे पास लेवल है, पुल बैक यहाँ से हो सकता है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकती है, और ये प्रॉपर एक स्विंग आप इसको तरह देख सकते हैं। और नीचे वाले मजीद जो आखिरी जो डिफेंसिव लेवल है 1.3001 और 1.2857 का एक अच्छा लेवल मौजूद है। अभी आ जाते हैं फ्रेंड यूरो वर्सेस यूएसडी मंथली हम देखते हैं, तो मंथली भी आप देखें फ्रेंड इसकी जो बुलिश कैंडल है बहुत बड़ी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ओवर बुलिश कैंडल है। वीकली देखें तो इसकी आरडी एक डोजी टाइप की कैंडल क्लोज हो चुकी है जो नॉट डिसनेबल है। इसके बाद हम डेली में जाते हैं तो डेली में आप देख रहे हैं कि एक डबल टॉप तो बना हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और यहाँ से मार्केट जैसे ऊपर गई है डबल टॉप बनाया हुआ है, तो ये हमारा लास्ट डिफेंसिव एरिया 1.1014 का एरिया, जब तक इसको क्रॉस नहीं करती मार्केट अभी ऊपर है, जैसे क्रॉस करेगी तो पुल बैक पे आप सेल देख सकते हैं, अदरवाइज ऊपर वाले जो हमारे पास लेवल मौजूद है जो आरडी हम जिससे किए 1.1225 और 1.1275 का एरिया मौजूद है। अभी आ जाते हैं जी यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो मंथली आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने से मुसलसल नीचे है, और अभी आप देखें वीकली में तो अभी वीकली में भी आप देख रहे हैं कि एक अच्छी कैंडल जो है रिटेस्ट जो पुल बैक की आपको मिली है। और अगर हम डे की बात करें तो मुसलसल अभी नीचे है, और ये एक बड़ी कैंडल हेल्थी कैंडल आपको मिली है, तो ये नीचे वाला एरिया हमारे पास 1.3977778 का लेवल मौजूद है। BTC की बात कर लेते हैं, मंथली बात करें तो मंथली की बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं, हैवी कैंडल जो है ऊपर बुलिश क्लोज हुई है, और अभी आप देखें तो एक वीकली भी मुसलसल पिछले 3 वीक से आप ऊपर देख रहे हैं, और अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे ये एक अच्छी इंपल्सिव करेक्टिव चल रही है, ये पुल बैक यहाँ से हो सकता है 60.56 का एक अच्छा लेवल है, और जो ऊपर वाला हाई लेवल है 69.97 का लेवल है, तो ये हमारे पास BTC मौजूद है। सिल्वर को देखें तो सिल्वर के भी पुल बैक के एरिए बनते हैं, ये एक अच्छा पुल बैक है 30.15 का एरिया, और यहाँ से अगर आपको पुल बैक की ट्रेंड मिलती तो अच्छी मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी बात करें तो ये भी एक बड़ी कैंडल डेली की मंथली देखें तो आप बुलिश में है, और वीकली देखें तो बुलिश में है, और डेली देखें तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, लिहाजा ये पुल बैक यहाँ तक आपको मिल सकता है, ये एरिया 0.6820 का लेवल है। वैसे फ्रेंड हम वीक के मिड में भी आपको एक अपडेट वीडियो देते हैं, लेकिन ये वीकली लेवल थोड़े से बड़े लेवल होते हैं, इसको भी साथ साथ फॉलो किया करें ताकि आपका वीक बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं न्यूजीलैंड से वही पोजीशन है, ये पुल बैक इसका भी हो सकता है, ऊपर वाले लेवल तो मौजूद है और नीचे वाले दो लेवल मौजूद है। अभी आ जाते हैं जनाब यूएस 100 की बात करें तो प्राइसेस इस तरह मूव हो रही है, यहाँ पे पुल बैक हो सकता है और यहाँ से दोबारा प्राइसेस ऊपर जा सकती है, दूसरी सूरत यहाँ पे पुल बैक, और ये दो तीन लेवल आपको मौजूद आप देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं यूएस 30, यूएस 30 हमेशा
आप देख रहे हैं हाई पे हाई लगा रहा है, और ये इसका पुल बैक अच्छा एरिया, यहाँ से अगर आप पुल बैक देता तो एक आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है, 41.569 का एक एरिया मौजूद है। और इसके अलावा नीचे वाले दो पुल बैक वाले एरिया मौजूद है, और एक एक्सपेक्टेड लेवल जो ऊपर मैंने लगाया है 43.3224 वाला एक एरिया, अच्छा एरिया मौजूद है। अभी बात कर लेते हैं यूएसडी कैड, यूएसडी कैड को दोबारा देखें तो इसके भी लेवल है, एक बड़ी कैंडल क्लोज हुई है, तो एक पुल बैक पे या यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा सकती है, और ये दो लेवल ऊपर है और तीन लेवल नीचे मौजूद है। पॉन्ड जेपीवाई जो आखिरी बारा जो पेयर है, इसको हम अगर मंथ में बात करें तो मंथ में आप देखें बड़ी कैंडल जो है बीरिश क्लोज हुई है, और डेली वीकली कैंडल भी बड़ी पेन के साथ क्लोज हुई है, और डेली की बात करें तो डेली की भी अच्छी कैंडल है, तो ये एक अच्छा पुल बैक थोड़ा सा ऊपर जाए तो हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है। 19.87 का ऊपर वाला लेवल है, और नीचे वाला 178.84 का लेवल है। तो ये फ्रेंड्स है हमारे सारे पेयर, होप सो के मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को देखते हुए हमेशा इंशाल्लाह आप ट्रेड करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, जिन दोस्तों को अभी हमारे साथ अपना अकाउंट नहीं बनाया, नीचे लिंक हमारे मौजूद है, उसे अपना अकाउंट बनाए, और साथ साथ मैंने बताया कि जिस तरह हमारी फ्री सर्विस है, हम डेली बेसिस सिग्नल चार्ट आपको भेजते हैं, उसको भी ज्वाइन करें। जी फ्रेंड, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू।